हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी। मैं आलू गोभी बना रही थी, मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने सब्ज़ियाँ भिगो कर रख दी हैं। हम लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें हम बिल्कुल भी सब्ज़ियों को पहले ही एक घंटा पहले हम उनको धूप में बाहर रख देते हैं और उसके बाद काफ़ी देर बाद उसको काटने के बाद हम भिगो कर छोड़ देते हैं, जिससे कोई भी अगर हमें डर हो तो हमारे दिमाग से निकल जाए। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, अपनी जो वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छी तरीके से उनको धोइए और धूप में रखिए, उसके बाद ही उसको बनाइए। तो देखिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल और उसको अच्छी तरह हो जाने के बाद मैंने डाल दिया है उसमें ज़ीरा। और जब मेरा ज़ीरा अच्छी तरह भुन जाएगा, देखिए, और आपको अपनी फ्लेम हाई ही रखनी है, और जब ये आपका अच्छी तरह भुन जाएगा उसके बाद डालनी है आपको उसमें प्याज। मैंने ली है यहाँ पर एक फूल गोभी थी, उसमें मैंने तीन प्याज ली हैं, मीडियम साइज़ की तीन प्याज मैंने ली हैं। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता उसको फ्राई करना है, जैसे कि सभी करते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको इसको फ्राई करते रहना है। तो देखिए मेरी जो प्याज हैं थोड़ी सी रेड से कलर की होती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको फ्राई करती रहूँगी, तो आप भी इसको फ्राई करते रहिए। और फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन में? जब तक हमारी प्याज हो जाती है हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा केयर की सबको ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें डाल दिया है मैंने अदरक और लहसुन पीसा हुआ, और मैंने एक छोटा सा अदरक और एक लहसुन लिया था, उसको मैंने बारीक पीस कर मैंने इसमें अब डाल दिया है जब मेरी प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई थी। और अब हम डालेंगे उसमें टमाटर। तो मैंने दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, मैंने दो टमाटर लिए हैं। टमाटर गोभी में बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाहें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डालती हूँ। आप जैसी आपकी मर्ज़ी आप वैसा डाल सकते हैं। अब जब मेरे टमाटर हल्के से भून जाएंगे तो इसमें मैं डालूंगी, इसमें हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है जिससे हमारी जो टमाटर हैं जले नहीं। और अब मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च, और अब मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्च, जैसे कि मैंने पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया, मैं थोड़ी सी मोटी जो हरी मिर्च इस टाइम आ रही हैं तो वो वाली मैंने हरी मिर्च इसमें डाली हैं, थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च मैंने इसमें डाली हैं। तो हरी मिर्च डालने के बाद अब मैं सूखे मसाले इसके अंदर डालूंगी। सूखे मसाले में मैंने एक चम्मच डाला है इसमें धनिया, पिसा हुआ धनिया, आधी चम्मच डाला है मैंने इसमें लाल मिर्च, आप अपनी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और एक चम्मच डाला है मैंने इसमें नमक, और आधी चम्मच डाली है मैंने इसमें हल्दी। और आप अपने मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे किसी को तीखा पसंद है या किसी को लाइट पसंद है, लाइट मसाले पसंद है, वो सब आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिए, वो तो सब अपने अकॉर्डिंग डालते हैं सब। ये देखिए, अब एक चीज़ और मैं इसमें डालूंगी, मैगी मसाला। मैंने इसमें एक मैगी मसाले का पैकेट डाल दिया है, इससे आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और आपको भीनी भीनी सी इसमें खुशबू भी आएगी और समझ नहीं आएगा कि हमने क्या इसमें मसाला डाला है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, सिर्फ 2-3 रुपए का इसका पैकेट आता है, एक पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। और जब अब मेरा मसाला भुन गया है, तैयार हो गया है, मैंने डाल दी है इसमें गोभी। गोभी को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आलू। मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं, जैसे मेरे यहाँ छोटा बेबी है तो वो आलू खाना पसंद करता है, तो मैं आलू थोड़े ज़्यादा डालती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिए जितने आपको डालने हैं। अब मैं डालूँगी इसमें मटर। मटर भी मैंने इसमें एक कप मटर लिए हैं और मैंने इसमें डाले हैं मटर। मटर का भी अपना ही अलग एक टेस्ट होता है, बहुत अच्छे लगते हैं मटर, अगर आप आलू में डालें मटर, गोभी में डालें या गाजर में डालें, बहुत सारी चीज़ों में मटर बहुत अच्छे लगते हैं। और अब तो सबको पता है 12 महीने मटर आते ही रहते हैं, वरना पहले तो होता था क्या, सर्दी सर्दी में मटर दिखाई देते थे, अब तो आप किसी भी सीज़न में मटर ले लें, किसी भी सीज़न में कोई सी भी सब्ज़ी ले लें। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसको बिल्कुल ढक कर रख दूँगी और इसको 15 मिनट तक मैं ऐसे ही ढके रखूँगी। 15 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल तैयार है मेरी गोभी।
और अब मैं डाल दूंगी इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया, जो कि बिल्कुल जान होता है सब्ज़ी का। ये बिल्कुल समझ लीजिए आप, अगर आपने पूरी गोभी बना दी उसमें हरा धनिया नहीं डाला तो वो मज़ा आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो हरा धनिया है इसकी जान, तो हम डाल देते हैं इसमें इसकी जान यानी हरा धनिया। तो आपको मेरी गोभी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।